मजा आ गया मजा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक कैंपिंग करने। मेरे साथ है यश और भविष्य मेरे साथ है। तो आज हम जाने वाले हैं कैंपिंग में, क्योंकि आज का जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना हो रखा था। हल्के फुल्के बादल और धूप लगी थी हल्की फुल्की, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम कैंपिंग पर जाएं। मजा आ गया मजा। जंगल से होते हुए अभी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा घना जंगल है, आप देख सकते हो बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ, और क्या भयंकर हो रखा रास्ता यहाँ का। तो अभी हम आगे चलते हैं और एक बड़ी सी जगह ढूंढते हैं सबसे पहले, तो जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं ना। तो दोस्तों अभी हम जगह ढूंढते हुए आगे बढ़े थे कि हमें यहाँ पे काफल का पेड़ मिल चुका है और इसमें हल्के फुल्के जो है काफल पक चुके हैं। ये भावेश तोड़ के ला गया, ये देखो काफल। और अभी हम थोड़े यहाँ से काफल खाते हैं, काफल का आनंद लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपने जो है कैंपिंग की बढ़िया जगह ढूंढेंगे। ये देख सकते हो आप, बढ़िया काफल भी पकने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मजा आ गया, मीठे बने मजा आ गया, आनंद आ गया, वाह टेस्टी हो रहे हैं रियल में। अब हम यहाँ से थोड़ा काफल खाने के बाद आगे बढ़ेंगे और कैंपिंग के लिए अपने जगह ढूंढते हैं बेस्ट वाली। यहाँ से बढ़िया व्यू दिख सकता है, वैसे यहाँ से बढ़िया व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे। ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, नहीं यहाँ से बढ़िया खेत और ऊपर से हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। बढ़िया मौसम भी आज बढ़िया हो रखा है, तो इसलिए आज हम कैंपिंग करने आ रखे हैं इस बेहतरीन मौसम में, है ना। तो अभी हम काफल खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे नज़ारा। तो दोस्तों अभी हमको रास्ते में लकड़ी मिल रही है, हमको आग जाने के लिए लकड़ी की होंगी, तो हम यहाँ थोड़ी लकड़ियाँ ले जाते हैं ताकि हमको आग जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो है आग बहुत जल्दी जल जाती है। ये जो है चीड़ के जो है बाहर के वो है चिकन, इसको पहाड़ी में बोलते हैं बकोड़, तो इससे जो है आग जो है बहुत बढ़िया से जलेगी, तो इसमें हमको जो है पूरी हेल्प मिल जाएगी आग जलाने में, है ना। तो अभी हम इनको इकट्ठा करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों हमको यहाँ पे चूल्हा लगाने के लिए वहाँ पे, तो इसलिए हमको एक यहाँ पे पत्थर मिल गया, तो हम इसको भी ले जाते हैं यहाँ से, ताकि हमको जो है चूल्हा बनाने में थोड़ी आसानी हो सके, और अभी जो हम जो भी हम वहाँ बनाएंगे तो उसमें हमको आसानी होगी, तो इसलिए हम यहाँ से इसको ले जाते हैं और बढ़िया से वहाँ चूल्हा भी लगाएंगे। तो दोस्तों हमको कैंपिंग के लिए एक बढ़िया सी जगह मिल गई है, वहाँ पे नीचे नदी है, नीचे वहाँ पे जैसे कुनान गधेर वहाँ पे मिल गया हमको गधेरा, वहाँ पे बढ़िया सी जगह है, क्योंकि वहाँ पे नदी है बढ़िया सी, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे करेंगे कैंपिंग। तो आपको ले चलते हैं अपनी जो है कैंपिंग की जो हमारी बेस्ट जगह है वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस अभी लोकेश दा गए हैं कैंपिंग की जगह ढूंढने और हमें यहाँ छोड़ गए हैं। एक मिनट, वहाँ ताल में मछली है क्या दादा? अच्छा पत्थर, वहाँ मछलियाँ हैं, मछलियाँ मछलियाँ पकड़ेंगे अभी। तो दोस्तों हम अपनी कैंपिंग की जगह ढूंढ के आ गए हैं और अब हम वहाँ अपना सामान ले जाते हैं और बाकी कैंपिंग करते हैं। तो चलते हैं वहाँ सीधा कैंपिंग की जगह पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो अपनी कैंपिंग की जगह है वो आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारी, हमने यहाँ पे चूल्हा लगा दिया है और यहाँ पे हमारे साथ हमारा कुत्ता भी आ रखा है जैकी, वो अपने मजे ले रहा है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हो बढ़िया, और नीचे यहाँ पे नदी है जस्ट नीचे, आपको दिखाता हूँ ये, और आपको दिख रही होगी तो हल्की छोटी सी नदी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, ये छोटी सी नदी बह रही है यहाँ पे से। और अब जो हम यहाँ पे अपना चूल्हा लगाते हैं और इसमें आग जलाते हैं और बाकी जो है तैयारी करते हैं। ये आग जलाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, हमने आग जलाने के लिए पूरी की पूरी माचिस का डब्बा ख़त्म कर दिया है और अभी भी हमारी आग जली है नहीं, तो हमने कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा आग जलाने के लिए। हमें लगता है हमें कुछ पॉलीथीन वगैरह जैसा कुछ ढूंढना चाहिए जो कि थोड़ी देर तक जले, जिससे कि हम आग जला सकें। तो दोस्तों हमने चूल्हा लगा दिया, अब हम इसमें आग जला लेते हैं। तो आग जलाने की तैयारी सारी हो रही है। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी आग जला ली है बड़ी मुश्किल से, थोड़ी दोस्तों हमने आग जला लिया और वहाँ पे उसका कढ़ाई रख दिया, और अभी हम बनाने वाले हैं मैगी। तो ये मैगी है और प्याज का काट सकते हैं, धुआं लग रहा है बड़ा भयंकर वाला, सीधा आँखों में आ रहा है। प्याज का काट है, उसके बाद मैगी बनाते हैं।
तो दोस्तों हमने प्याज टमाटर काटे हैं और अब इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं और मैगी बनाई देने की जो हमारी तैयारी है वो थोड़ा प्रोसेस चल रही है उसकी अभी। तो उसका जो अभी खुशबू है क्या कहने अभी से मतलब हम इसके मुँह में तो पानी आएगा अभी बता दे रहा हूँ मैं। वो गाय की पूछ खींच रहा है। तो दोस्तों जो जैकी जो हमारा बड़ा भयंकर है गाय है कि पूछ खींच रहा है ऐसी हरकत मत करें। हमारे एक मित्र आ चुके हैं यहाँ पे सुरेश भाई। तो सुरेश भाई कहाँ जा रहे हो तुम? ग्वाला। ग्वाला सुरेश भाई जो है ग्वाला से आ रहे हैं अभी और हमारी जो मैगी की खुशबू आ रही थी उससे यहाँ पहुँच चुके हैं। वो देखिए जैकी पर बैठ जाओ। जैकी पर बैठा हुआ आराम से। क्या बन रहा है बोले क्या चल रहा है बोले खाएगा जैकी खाएगा वो देख बैठ गया ऊपर। तो दोस्तों अभी हमने मैगी यहाँ बना दी है उसमें पानी हानी मसाले सब डाल दिए हैं। मैगी अपने आप बनती है तब तक हम थोड़े लेज और कुरकुरा इलायचे तो उसका उसको खाते हैं उसका आनंद लेते हैं और मैगी बनने का वेट करते हैं। तो थोड़ी देर में मैगी दो मिनट में मैगी बनाते हैं दो मिनट में हमारी मैगी बनने वाली है। मैगी बनने तक हम लेज खाते हैं आनंद लेते हैं उसके बाद फिर मैगी खाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारी मैगी कैसी बनी है। और आपको वीडियो सही लग रही है वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हल्की धूप भी आने लग गई है मौसम भी सही हो गया थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अभी हमारी मैगी बन चुकी है ये आप देख सकते हैं ये तो मैगी बन गई। अभी हम मैगी निकालते हैं यहाँ से हम ये दिखाता हूँ आप ये टेस्टी टेस्टी मैगी वाव। तो अभी हम मैगी खाते हैं आप भी हमारी वीडियो का आनंद लीजिए और अभी हम आपको बताते हैं मैगी कैसी हो रखी है। एक्शन। तो दोस्तों अभी हम मैगी को जो है टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। मजा आ गया रियल में। कैसी बनी है भाई मजा आ गया, मजा आ गया। ये यस भाई तुम बताओ कैसी बनी है मैगी? बढ़िया है। बढ़िया है ऐसी होनी चाहिए मैगी। बढ़िया ये यस भाई को भी मजा आ गया और भावेश मजा आ गया सही मजा आ गया मजा सही मजा। तो दोस्तों अभी हमने मैगी आगे खा लिया पूरा एंजॉय कर लिया है और हमारे यस भाई जो है मैगी खाने के बाद इनको ड्यूटी मिली है बर्तन धोने की। तो यस नीचे नदी में पहुंच चुके हैं भाई साहब बर्तन धोने के लिए बुरा से साफ करना भाई बर्तनों को। और बाकी हम एंजॉय करते हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आ गया मजा।